आप देखना शुरू कर चुके हैं रायबरेली एक्सप्रेस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक ऐसा नाम जो रायबरेली की समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहा है, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के अधिवक्ता नीरज सिंह की। अपनी समाज सेवा को लेकर नीरज सिंह काफ़ी चर्चित हैं रायबरेली के लिए और बहुत दरिया दिल भी माने जाते हैं। उसी क्रम में जहां बीते दिन रायबरेली एक्सप्रेस की मुहिम से जुड़े नीरज सिंह, वहीं आज उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए नीरज सिंह ने रायबरेली के गल्ला मंडी स्थित गरीबों को जाकर स्वयं खाना दिया और इस बात को कहा कि रायबरेली एक्सप्रेस की इस मुहिम से वो हमेशा जुड़े रहेंगे। आइए जानते हैं क्या कहा नीरज सिंह ने। भैया अपना परिचय बता दें। नाम नीरज सिंह है, रहने वाले लालूपुर के हैं। भैया आज आप कहाँ पर आए हैं? आज भैया हम गल्ला मंडी बड़िया बस्ती में आए हैं, गरीबों को जो है लंच पैकेट वितरित करने। आप कब तक किस तरह लंच पैकेट वितरण करते रहेंगे? ये भैया कंटिन्यू जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा तब तक हम वितरित करते रहेंगे, जिससे किसी भी गरीब परिवार को जो है भोजन की दिक्कत ना आने पाए। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमको प्रेरणा स्वर्गीय अखिलेश सिंह जो गरीबों के मसीहा थे, बहन अदिति सिंह विधायक, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार से हम लोग जो है गरीबों को वितरण कर रहे हैं।